बक्सर जिले से एक नए अपडेट को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी का धंधा पानी ब्लॉग। दोस्तों, हमेशा जानकारी वाली वीडियो जो है बिहार स्टोरी पर अपलोड होती है, हालांकि 10-15 मिनट के वीडियो से देख करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन उस 10-15 मिनट के वीडियो में जो जानकारी होती है, अगर उस जानकारी के आधार पर आप कोई फैसला कर लें तो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ऐसी ज़िंदगी, ऐसी लाइफ बदलने वाली कहानी स्टोरी बिहार स्टोरी पे बहुत है। और ऐसे ही मौका मिला आज हमें ग्रो इंडिया के माध्यम से एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को कवर करने का मौका मिला जिन्होंने उसी वीडियो के दौरान एक फैसला लिया और अपनी ज़िंदगी में यू टर्न लिया। और वो युवा हैं, हमारे साथ हैं, और ये जो है आप देख रहे हैं, ये रॉ मटेरियल बनाने की फैक्ट्री है जहाँ पेपर प्लेट मशीन की जो प्रोडक्ट हो बनती है, और वो प्रोडक्ट बनने से पहले जो रॉ मटेरियल तैयार होता है वो शायद यहाँ पे बहुत सारी मशीनें यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप अपना परिचय विस्तृत जरा दें। सर, सर मैं सत्यम कुमार जी, बक्सर का रहने वाला हूँ सर, ऐरोली मोड में। सर, ये हमारी फैक्ट्री है पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बनाने की। जो भी आपको रॉ मटेरियल, बफर सीट हो गया, रोल हो गया, सारी चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है जी। काफ़ी मशीनें आपने लगा रखी हैं सर, और ग्रो इंडिया से आपने ये वाली मशीन, पेपर लेमिनेशन मशीन खरीदी। लेमिनेशन मैंने ग्रो इंडिया से लिया हुआ है। कितने दिन पहले लिया सर? ये जनवरी की मशीन है। जनवरी से मशीन अच्छी चल रही है सर? काफ़ी मशीन अच्छी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं, हालांकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आज थोड़ी पेपर लेमिनेशन मशीन के ऊपर आपको पहले जानकारी दे देते हैं कि सर ये बताएं सत्यम जी कि ये जो मशीन है इसमें सारे जितने भी बफे प्लेट हैं, कटोरी हैं, दोना है, पत्तल हैं, सब के लिए जो फिल्म चढ़ाई जाती है इसी मशीन से चढ़ाई जाती है? जी हाँ, इसी से चढ़ाई जाती है। ये अभी आप एक BOPP है सिल्वर रंग की, जो कि आपको दोना के काम आती है। अच्छा। और थाली के काम बनती है, सब ज़्यादा सिल्वर वाली चलती है, तो ये उसी का काम चल रहा है। जैसे अभी 7-6 इंची के रोल कट रहे हैं, देख सकते हैं सामने से यहाँ पे। इसमें एक साथ कितने रोल? एक साथ आप 4 रोल काट सकते हैं आराम से, अगर 6 इंची का 4 है तो मतलब 4 रोल अगर हुआ वो छोटी वाली कटोरी अगर करें तो। छोटी वाली कटोरी के आप 4 रोल काट सकते हैं, जैसे आपके जिसके जितने साइज के पेपर होंगे आप उतने साइज के आप काट सकते हैं। और बड़ी थाली अगर होगी तो केवल 2 रोल? 2 रोल कटेंगे आराम से, 13-13 के हो गए, 12-12 के हो गए, आराम से 2 कटेंगे। अच्छा जी, तो रोल जो होते हैं सर वो लगभग 1 क्विंटल के होते हैं, बड़े वाले जो गोले होते हैं जिसपे आपको फिल्म चढ़ानी होती है? नहीं, वो बड़े वाले तो 3 क्विंटल के होते हैं, जो हम लोग छोटे फिल्म चढ़ाते हैं वो आपके 50 किलो के होते हैं। अच्छा। साइज बाई साइज में किलो आते हैं। जैसे 3 क्विंटल पे लगभग कितना फिल्म लग जाता है? जैसे ये फिल्म हुआ 3 क्विंटल पे सर, अगर देखा जाए तो BOPP लगेगा आपका 7.5 किलो लगता है 1 क्विंटल पे। अब 3 क्विंटल पे आपका हो गया 21 किलो कुछ लगता है। 21 किलो लग जाता जी। और ये 3 क्विंटल पे चढ़ाने का जो वक्त लगता है इस मशीन से कितनी देर में चढ़ जाती है? कम से कम सर 3 क्विंटल बनाना हो तो सर अपने हाथ पे 2 घंटे में भी खत्म कर दे, 1 घंटा में भी, 3 घंटे। अच्छा, 1 घंटे में भी फिनिश हो सकती है? जी जी, मतलब उसमें स्पीड कम, स्पीड कम कर देते। अच्छा। जैसे मैन पावर आप करेंगे वैसे आप काम करिए, वो वैसे होगा जी। और ये चिपकाने का जो काम है ये गम रहता है जी, देख सकते। तो ये सर जो है इसमें फेविकोल है? जी जी, फेविकोल में कुछ मिलाते भी है? पानी मिलाते हैं। जैसे क्या रेशियो रहता है? गम के अकॉर्डिंग गम मोटा पतला होता है, उसी अकॉर्डिंग मिलाया जाता है। तो 3 क्विंटल पे इसकी खपत कितनी हो जाती है? अगर 100 किलो पे माना जाए तो 3 किलो का गम खपत होती है। अच्छा, 100 किलो में 3 किलो? 3 किलो गम, यानी कि पानी के साथ मिला के? पानी के साथ आपका 6 किलो हो जाएगा। अच्छा, पानी के साथ 6 किलो? अरे वाह, गम का खाली रेशियो 3 किलो। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर इस कोई नया बिजनेस में उतरना चाहे आपकी तरह तो ये बता सकते हैं ना सत्यम जी कि वो जो रोल लाते हैं आप भी तो कहीं ना कहीं से ये रोल मिल से लाते हैं? पेपर मिल से आती है ये। मिले हमारी बिहार में भी है, बाहर भी है। अच्छा। बहुत जगह मिले हैं, वहाँ से पेपर अपनी आती है जी। तो इस पर जब लेमिनेशन आपने चढ़ा दिया तो ये तो रॉ मटेरियल एक तरह से हो गई, एक तरीके से रॉ मटेरियल डायरेक्ट, फिर उसको आप पेपर प्लेट मशीन में लगाइए और काटिए। हाँ, वहाँ मशीन लगी हुई है, वहाँ मशीन में आप लोग देख लीजिए। आप तो पेपर प्लेट्स भी निकालते हैं और पेपर प्लेट लेमिनेशन भी करते हैं। ये जो पेपर प्लेट जो रॉ मटेरियल है सर, ये कैसे बिकती है मार्केट में? बिकती है सर अभी 65 रुपये किलो रेट है। 65 रुपये किलो? 65 रुपये किलो रेट अभी चल रहा है। 65 रुपये किलो आप लोग यहाँ पे बेचते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए जो कारीगर आपने लगाए होंगे सर, इस पे कितने लगाए हैं कारीगर? अभी सर एक ही है इस पे, केवल एक ही है, एक आदमी मैनेज कर लेता है? एक आदमी मैनेज आराम से करता है। और मैक्सिमम कितने घंटे चलाते हैं आप? मैक्सिमम सर हम लोग सर 8-10 घंटा चलाते हैं। 8-10 घंटा चला जी। हाँ, तो एक जानकारी और भी दे दे सर कि बिजली बिल का क्या सिचुएशन है? सर 2 यूनिट की खपत है पर आवर।
एक घंटे में 2 यूनिट आराम से खाएगी। 2 HP का मोटर है जी, तो 2 घंटे आराम से। ये मशीन तो सर आपने ग्रो इंडिया अजीत पाठक जी से लिया जी। तो उनकी कंपनी से बहुत सारी मशीनें बहुत जगहों पे गई है, तो एक मैं चाहता हूँ कि आप एक ट्रू टेस्टिमोनियल दें कि मतलब क्या कैसा है आपका उनसे डील लेने के बाद। मशीन कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, परेशानी तो नहीं आई, सब अच्छे हैं, सर्विस भी फास्ट है उनकी, हर एक चीज़ अच्छी है, मतलब सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया है, और ग्रो इंडिया को शुभकामनाएं कि आपकी वजह से जो है ऐसी ऐसी मशीनें जो हैं इंस्टॉल हो रही हैं। और ये तो एक चीज़ हो गई कि यहाँ पर फिल्म की जो है लेमिनेशन चढ़ाई जाती है, जिसके लिए आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे रोल हैं, रोल पे ला करके, और ये एक फिल्म है जो कि उस पर लेप चढ़ा दिया जाता है, इस फेविकोल के मदद से साट दिया जाता है। और ये जो रोल्स आते हैं सर, रोल्स में भी पहले कारीगरी है, डायरेक्ट तो यहाँ पे आती नहीं है वो रोल्स, वो भी उसके लिए कोरोगेशन मशीन और बहुत सारे मशीनों का। नहीं, रोल्स तो वो डायरेक्ट आते हैं, कोरोगेशन आपको बफर सीट के काम आती है। अच्छा, बफर के लिए वो यूज कोरोगेशन आती है, बाकी अच्छा। ये जो रोल आपकी आती है वो डायरेक्ट मिल से आती है, लेमिनेशन में वो दूसरी रोल आती है। हाँ, दूसरी रोल आती है, वो प्लेन रोल, सिंपली जो हम प्लेन रोल होती है, मतलब वो जो आप कहते हैं वो जो सिंपल रिंकल पेपर वगैरह में हम लोग खाना खाते हैं, पेपर प्लेट वाली, उसमें हो जाती है, तो उसके लिए अलग होता है, जिसके लिए ये सब मशीनों की जरूरत पड़ती है ना। ये सब बफर शीट की मशीन है, जैसे ये सीट कटर मशीन है, अपना सीट जो साइज का काटना होता है वो अपना साइज काटना होता है जी। बाकी ये आपको सीट पेस्टिंग मशीन आ गई है। अच्छा। ये आपको रोटरी है, ये सीट पेस्टिंग जहाँ बफर चल रही है अपनी, कॉफी प्लेट ये बनाने में इन सब मशीनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक छोटा बिजनेस जो पेपर प्लेट का बिजनेस है, उसके लिए ये लेमिनेशन मशीन काफी है। तो सर एक बात बता दें कि ये अगर कोई लगाता है जी। तो कुछ लोग तो आपकी तरह उतना बड़ा सेटअप तो हर जगह नहीं लेते हैं, लेकिन ये जरूर इंस्टॉल करते हैं, तो इस पे क्या मुनाफा हो जाएगा अगर आप ये अगर बता सके तो, कि ये अगर केवल इंस्टॉल करें, ये काम हम लेमिनेशन के स्टार्ट करें कि एक छोटे स्केल पे हम खाली रॉ मटेरियल बनाए और मार्केट में बेचे, इस पे कितना बच जाएगा? इस पे आपको 5 से 6 रुपये किलो बच जाएगी। 5 से 6 रुपये किलो बच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बक्सर से सत्यम जी यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, और जिसमें एक पेपर लेमिनेशन की जो मशीन है वो ग्रो इंडिया से आई थी। और इनका कहना है कि अगर ये मशीन भी अगर लेके रॉ मटेरियल प्रोडक्शन आप करते हैं तो आपको 5 से 6 रुपया पर किलो की बचत हो जाएगी। सर ऐसे तो मुझे नहीं पता कि इस मशीन की एक्चुअल प्राइस क्या है, क्योंकि अजीत सर तो गए हुए हैं दिल्ली, उनसे बात हो नहीं पाई, लेकिन उनसे ही आपका पता चला तो मैं आ गया। तो ये मशीन आपको कितना पड़ा था ग्रो इंडिया से? ये मशीन सर लमसम उम्मीद है कि 3 लाख रुपए प्लस GST थे। 3 लाख रुपए प्लस GST, ये हालांकि जनवरी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, जनवरी की बात। लेकिन दोस्तों ये फिक्स प्राइस मत मानिएगा, नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके जो अभी करंट प्राइस है वो आप पता कर लें, क्योंकि ये अभी 2022 का मतलब अगस्त चल रहा है, तो हो सकता है इस बीच में क्या है नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। आइए सर सत्यम जी, और सत्यम जी के यहाँ पर देख लीजिए ये पेपर प्लेट के जो दोना जिसको बोलते हैं यहाँ पर छोटे वाली, ये 6 इंची वाली है सर, 7 इंची वाली, और एक दो ये दो चलती है इसमें लगातार, रनिंग है जी हाँ। अच्छा, काफ़ी सारे यहाँ बने पड़े भी हैं, और रॉ मटेरियल तो गंजे पड़े हैं आपके यहाँ सर, रॉ मतलब चलने की जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। और इस उम्र में इतना बड़ा कारोबार सर आपने किया है, और वही बात है कि कुछ लोग जो है फैसले लेते हैं, और फैसले का ही नतीजा होता है कि आज ज़िंदगी में आज सत्यम जी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि शायद इनसे जुड़कर ना जाने कितने और लोगों का कारोबार चल रहा होगा। आपके क्लाइंट्स तो सर बहुत दूर दूर तक होंगे? हाँ, बहुत दूर दूर तक है, छपरा है, बलिया है, गाजीपुर है, बहुत जगह है, बहुत सारे हैं। चलिए, तो आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप, आगे क्या करेंगे? आगे इसी में सर स्कोप देंगे, और बढ़ाएंगे, इसी में बढ़ाना है, अभी डब्बे वब्बे का भी काम करना है, सब अच्छा। चीज़ का। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्योंकि अभी बहुत व्यस्त हैं सर, और मैं किसी तरह से समय निकाल करके इनसे दो बातें जो जानकारी वाली है निकाल करके आप तक लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो ज़रूर आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई ऐसा सवाल है तो ज़रूर कमेंट में लिख दें जो मैं पूछना भूल गया हो, और नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। और आशा है कि इस तरह का अगर बिजनेस आप करते हैं तो शायद उसमें बहुत फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।